दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का जो यूज होता है वो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चे के ऊपर फोकस रखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज करती है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई कॉस्ट सेंटर के लेजर हम तैयार करें या कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को इनेबल करें, तो एक बार हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं भी इसका यूज किस पर्पज से किया जाता है, ताकि जब हम कॉस्ट सेंटर के ग्रुप क्रिएट करें और जब या उसकी वाउचर की एंट्री करें तो हमें कोई ज़्यादा समझने में मुश्किल ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर एक्सेल में एक चार्ट यहाँ पर एक बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक लेजर बनाया हुआ है टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो दोस्तों अक्सर जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पर टूर एंड ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस होते रहते हैं, क्योंकि जब भी उनका कोई एम्प्लॉई या मार्केटिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है उनका जो एक्सपेंसेस होता है टूर एंड ट्रेवलिंग का वो कंपनी ही पेड करती है। लेकिन कंपनी अब इस बात को ट्रेस करना चाहती है भी जो भी हमारा टूर एंड ट्रेवलिंग के ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है वो कौन सा सेल्समैन सबसे ज़्यादा या कौन सा एम्प्लॉई है वो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, क्या उसके एरिया से उतनी रिवेन्यू आ भी रही है या नहीं आ रही जितना वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जो हमारे जो बुक्स होती है उसमें हम जो लेजर क्रिएट करते हैं वो एक नाम से करते हैं टूर एंड ट्रेवलिंग। अब मान लीजिए एक पर डे का जो एक्सपेंसेस है कंपनी का टूर एंड ट्रेवलिंग का वो 4,800 रुपये है, लेकिन ये जो 4,800 रुपये का जो खर्चा है ये पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉई ने नहीं किया बल्कि ये चार एम्प्लॉई ने मिल के किया हुआ है। तो हमें इसको एम्प्लॉई वाइज भी इसको ट्रेस हम कर सकते हैं, सेल्समैन की कैटेगरी वाइज भी इसको सेल्स करते हैं भी हमारा जो खर्चा है वो कौन सा सेल्समैन है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। तो इसी टाइप से हमारा जो सेकंड हमने एग्जांपल लिया वो फ्यूल एक्सपेंसेस का लिया हुआ है। अब फ्यूल एक्सपेंसेस में यानी कि अब कंपनी में चार अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग गाड़ियों के नंबर हैं और उसके अंदर कंपनी का जो फ्यूल एक्सपेंसेस है वो पर डे का 18,000 रुपये का, लेकिन ये जो 18,000 रुपये का जो फ्यूल है वो पर्टिकुलर किसी एक गाड़ी के ऊपर खर्च नहीं हुआ है बल्कि चार गाड़ियों को मिला के हुआ है। तो हम इसको भी ट्रेस कर सकते हैं भी कौन सी गाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्यूल एक्सपेंसेस है जो कंज्यूम हो रहे हैं, ताकि हम इसको पर्टिकुलर एक फोकस कर सकें, बजट पे कंट्रोल कर सकें, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कंपनी कर सकें भी जो गाड़ी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रही है क्या उस एरिया से इनकम भी कंपनी को हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम इसी को कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी हम बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से किया जाता है वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है उसका भी, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसके हम ग्रुप क्रिएट करते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जरूर सीखना। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों चाहे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं चाहे हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट सेंटर्स का जो ऑप्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट है जो एप्लीकेबल नहीं होता, उन्हें हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो बिजी सॉफ्टवेयर में हमें एप्लीकेबल करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन टैब पर हम जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, और कॉन्फ़िगरेशन पर जाने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर फीचर्स एंड ऑप्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे, इसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा इस अकाउंट्स के टैब को, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें आप देखोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर्स का, तो आप देख रहे हो इसके ऊपर टिक नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम ओके करेंगे। तो जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो इसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, लेकिन हमें इसको अभी तक कुछ नहीं करना, हम सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव करेंगे और इसको एग्जिट करेंगे। तो जैसे हमने इसको एप्लीकेबल कर दिया तो अब ये जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन है ये हमारे अब इस मास्टर्स के फीचर्स में ऐड हो गए हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ग्रुप को। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर का जो ग्रुप है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अब कॉस्ट सेंटर का ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा भी ये हमारे चार इंप्लॉई है और ये चारों का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्समैन का डिपार्टमेंट है, और ये हमारे ड्राइवर हैं जो गाड़ी को चलाते हैं और इन सभी को अलग अलग
गाड़ियां मिली हुई है, तो हम इनका ये जो हमारे लिए एक तरीके के ग्रुप बन गया, तो सेल्समैन का एक ग्रुप हो जाएगा और ये चार गाड़ियों के हमें चारों अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऐड पर जाएंगे, सेंटर कॉस्ट सेंटर ग्रुप पर ऐड पर क्लिक करेंगे। तो हम सेल्समैन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेल्समैन का ग्रुप बन जाएगा, प्राइमरी ग्रुप है इसको हम यहाँ पे रखेंगे यस, और इसको हम कर देंगे सेव। और उसके बाद में हमें अलग अलग गाड़ी वाइज ये सारे ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमें जब बाद में इसके जब ब्लेजर बनाएंगे तो ये जो हमें एम्प्लॉय का नाम या जो ड्राइवर का नाम हमें बाद में इनके अंडर में हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, सारा प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से इसका समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ग्रुप इसके क्रिएट कर लिए। अब हमें कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। अब कॉस्ट सेंटर कौन से हो गए, ये वाले जो एम्प्लॉय के नेम है या फिर ये जो ड्राइवर के नेम है, ये हमारे कॉस्ट सेंटर होते हैं। ये हमारे कॉस्ट का कैटेगरी हम बोल सकते हैं या कॉस्ट कैटेगरी ग्रुप हो सकता है, एक ही बात है। हम ऐड करेंगे यहाँ पर, हम जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है सुनील, इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सुनील को। अब उसके बाद में यहाँ पर ये पूछेगा हमें पेरेंट ग्रुप, तो इसमें से हमने इसको ग्रुप वो देना है भी ये जो सुनील कुमार है ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, सेल्समैन से है या फिर ड्राइवर है या फिर कोई सुपरवाइजर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, किससे रिलेटेड रखते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल के लिए सेल्समैन रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल्समैन को। और उसके बाद में जैसे महक है, ये भी सेल्समैन है, उस तरीके से नमन है सेल्समैन है, इस तरीके से सभी को हम यहाँ पर एक बार इसको डाल देंगे। तो ये हमारे एम्प्लॉई के नेम कंप्लीट हो गए। अब हमें यहाँ पे ड्राइवर्स के नेम हमें यहाँ पर लिखने हैं, फर्स्ट नेम श्याम, और ये जो गाड़ी है इसके पास 1 2 3 4 नंबर की है, तो हम गाड़ी नंबर यहाँ पर देंगे। इस तरीके से कमल है, और कमल का जो गाड़ी है वो 5 6 7 8 नंबर है। उस तरीके से राम है, तो राम का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और इसके पास जो गाड़ी है 0011 नंबर से है। और राजन इसके पास 002 नंबर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमने ये इनके जो कॉस्ट सेंटर है वो हमने क्रिएट कर दिए। अब हमें इसका उपयोग कैसे करना है, ये तो हमने क्रिएट कर दिया, अब हमें इसको बात को अच्छी तरीके से समझना है। दोस्तों इसके लिए हम जाते हैं ट्रांजेक्शन पर, पेमेंट वाउचर पर हम जाएंगे। अब पेमेंट वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक एक्सपेंसेस के खर्चे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि डेट हमारे पास हो सकती है, और जीएसटी नेचर टाइप में हम नोट एप्लीकेबल रखेंगे। अब डेबिट में हमें यहाँ पर फ्यूल एंड एक्सपेंसेस का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, तो F3 शॉर्टकट यूज करेंगे, सॉरी टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है ये हमारा, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए। तो अब यहां पर ये पूछेगा कॉस्ट सेंटर अमाउंट इसके लिए, तो इसको हमें यस रखना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है, इसको यस करेंगे। और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इसको विंडो को हम करेंगे यहां से सेव। अब जैसा कि हमारे पास खर्चा था 4800 रुपये का एक दिन का, तो हमने यहां पर 4800 रुपये डाल दिए। अब उसके बाद में मान लीजिए हमने ये केस के थ्रू पेमेंट किया है, तो ये सिंपल एंट्री है। यहाँ पर हम इसका जो भी हमने इसका डेबिट नोट है या जो हमारे पास हमने वाउचर क्रिएट रखा है, वो हम डेबिट नोट का नंबर यहाँ पर लिख देंगे 1 हमने कर दिया। और जैसे इस वाउचर को हम सेव करेंगे, तो हमारे पास अब ये कॉस्ट सेंटर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब कॉस्ट सेंटर में हमारे पास क्या नाम आएगा, सबसे पहले आएगा भी इस एक्सपेंसिस में किस किस ने कितना कितना खर्चा किया। जैसा कि सुनील है, तो हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे सुनील, अमाउंट सुनील की है 1000 रुपये की। उसके बाद में महक है, महक का जो एक्सपेंसेस है वो 500 रुपये का है। और उसके बाद में नमन का है 1500 रुपये, और उसके बाद में फोर्थ एम्प्लॉई हमारा सुमित 1800 रुपये। तो इस तरीके से ये 4800 रुपये का खर्चा कंप्लीट हो गया। अब जो शॉर्ट नरेशन में हमें क्या लिखना होता है, अब मान लीजिए जो सुमित है एक्सपेंसेस किया, या सुमित ने कौन से साइड के अंदर टूर किया, कौन से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब विजिट इन्होंने करी है, इसी तरीके से इनके आगे हमें नरेशन हम लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे सुनील है, अब सुनील ने भी बीकानेर साइड का टूर किया है, महक ने जो टूर किया है वो जयपुर एरिया का किया हुआ है, और इसी तरीके से
नमन श्री गंगानगर हम कर देते हैं और सुमित हम कर देते हैं श्री विजयनगर। तो इस तरीके से हमने ये इसका डिटेल डाल दी ताकि हमें पता रहे। तो इस तरीके से हमने ये की एंट्री पास कर दी। इसी तरीके से हमारी जो फ्यूल एक्सपेंसेस की एंट्री है तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। फ्यूल एक्सपेंसेस का भी लेज़र हम क्रिएट करेंगे, ये भी हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एप्लीकेबल रहेगा कॉस्ट सेंटर, जीएसटी के ऊपर नोट एप्लीकेबल है और इस विंडो को हम करेंगे यहाँ से सेव। अब मान लीजिए हमने इसका जो भुगतान है वो बाई चेक किया हुआ है 18,000 रुपये का और हम यहाँ पर बैंक का एक लेज़र क्रिएट हम कर देंगे। मान लीजिए हमने SBI बैंक के थ्रू ये पेमेंट करी है तो ये अंदर में बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसमें कॉस्ट सेंटर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रुप में ऑलरेडी। तो इस विंडो को हम करेंगे यहाँ से सेव। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो अब हमारे से कॉस्ट सेंटर का डिटेल प्रूफ पूछेगा भी कौन सी गाड़ी के थ्रू हमने कितना किया। तो जैसे मान लें कि हमारे पास 1, 2 ये गाड़ी का नाम है जो श्याम है, तो जैसे कि हमने श्याम को सिलेक्ट किया, अब श्याम ने जो खर्चा किया वो 2,000 रुपये का किया हुआ है। अब इसका गाड़ी का नंबर अगर आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि हमारे पास सेकेंड है कमल, कमल का जो एक्सपेंसिस है फ्यूल का वो 3,000 रुपये का है। इसका गाड़ी नंबर 5, 6, 7, 8 हम डाल सकते हैं शॉर्टकट में। और इस तरीके से जो थर्ड है राम, अमाउंट है इसकी 5,000 और जो गाड़ी का जो नंबर है 0011 और इस तरीके से लास्ट है राजन। टोटल अमाउंट 8,000 रुपये आ जाएगी और 8,000 रुपये और 0022 और इस वाउचर को सेव कर दिया। अब हमने जब फ्यूल एंड एक्सपेंसेस के लेजर देखेंगे या फिर टूर एंड ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये नेट अमाउंट ही शो होगी। तो दोस्तों अगर हम इनके लेज़र पर्सनली लेज़र की हम बात करें भी, हमने जो हमारा टूर एंड ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंसेस है उसका लेज़र हम ओपन कर लेते हैं। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर हम जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे अकाउंट वाइज। तो अब इसका हम फ्यूल एक्सपेंसेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको ओके हम करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो फ्यूल एंड एक्सपेंसेस का जो टोटल अमाउंट है डेबिट हुई वो 18,000 रुपये आपको शो हो रही है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर भी ये 18,000 रुपये ही है। इसी तरीके से अगर टूर एंड ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस का हम लेज़र देखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपको ये 4,800 रुपये की अमाउंट शो हो रही है। लेकिन अगर हमें मतलब एम्प्लॉई वाइज इसको मतलब ट्रेस करना हो या गाड़ी वाइज या ड्राइवर नंबर वाइज ट्रेस करना हो तो उसकी डिटेल को देखने के लिए डिस्प्ले पर आप जाएंगे और उसके बाद में आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, इस पर हम आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको कॉस्ट सेंटर लेजर, अब लेजर में उन सभी के नाम आ जाएंगे आपके। अब जैसे कि कमल है, अब इसमें हम ऑल कर देंगे ग्रुप को और इसकी हम स्टार्टिंग डेट भी डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी डिटेल हमें देखनी है। अब जैसे कि कमल है, अब कमल ने फ्यूल एक्सपेंसेस किया हुआ है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था कमल ने फ्यूल एक्सपेंसेस किया हुआ है और ये इसका जो गाड़ी का नंबर है ये शॉर्ट नरेशन में जो हमने जो दिया था वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी भी। ये 5, 6, 7, 8 की गाड़ी है जो मतलब इसको ऑपरेट करता है और इसका जो एक्सपेंसेस है ये 3,000 रुपये का है 1 अप्रैल 2021 को। डेट आपके पास कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम मतलब कॉस्ट सेंटर वाइज हम इसको सर्च कर सकते हैं भी कमल ने इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक का एक्सपेंसेस है जो किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर। अगर हम जैसे समरी देखेंगे स्टैंडर्ड में, मंथली अगर आप समरी देखोगे, अकाउंट वाइज आप देखोगे तो ये सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। वन अकाउंट में अगर आप हम इसमें देखना चाहें जैसे कि फ्यूल एक्सपेंसेस आपको देखना है, ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम देखेंगे तो अगर आपने फ्यूल एक्सपेंसेस को देख लिया तो फ्यूल एक्सपेंसेस में आपके कौन से ड्राइवर ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस किया हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि टोटल 18,000 रुपये है, इस 18,000 में से आपके ड्राइवर वाइज इसकी डिटेल आपको सारी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे को यहाँ पर दिखेंगे सेंटर वाइज में, वन सेंटर से या ऑल कॉस्ट कैटेगरी अगर आप देखना चाहोगे तो ये डिटेल आपके सामने सारी आ जाएगी। जैसे कि कमल है, मैक है, टोटल आपकी पेमेंट वाउचर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगी पूरी पूरी डिटेल आपको। अगर आपको शो अनमूव्ड अगर आप देख इस पर आप यस करेंगे तो इसकी डिटेल भी आपको सारी की सारी शो करेगा। तो इस तरीके से हम इसकी अलग अलग काफ़ी सारी समरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अकाउंट समरी वाइज अगर हम करेंगे, ऑल कॉस्ट कैटेगरी करोगे आप इसमें भी या ऑल आप करोगे
तो वो भी डिटेल आपको सेम इसी में, यानी कि आपको पूरी डिटेल आपको दिखाई देगा। अभी जैसे कमल है, कमल का हेड है जो फ्यूल एक्सपेंसेस में रखता है, 3,000 रुपये का खर्चा किया, तो ये आपका हेड भी आपको यहाँ पर साथ के साथ शो करता रहेगा, ताकि हम इसके बजट पे एक्सपेंसेस पे कंपनी कंट्रोल रख सके। तो इस तरीके से हम इसको कॉस्ट सेंटर, आप अलग अलग तरीके से मंथली समरी भी आप देख सकते हो वर्टिकल टाइप में। कॉस्ट सेंटर अगर आप देखना चाहो तो कमल का अप्रैल से लेकर अगस्त महीने का, तो आपको ये मंथली समरी भी दिखाएगा भी कौन से महीने के अंदर कितने कितने रुपए का एक्सपेंसेस कमल के द्वारा किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो भी आपको अगर नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।